बूम बूम वेलकम गाइस। हेलो हेलो हेलो, आई एम योर ऑब्जेक्ट फ्रॉम सुपर नॉलेज पॉइंट। सो गाइस, हमने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ हीट का पूरा डिस्कशन किया था, आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज डिटरमाइंड बाई अ क्वान्टिटी नोन एज टेम्परेचर। मतलब जो किसी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस होता है वो किसी एक क्वान्टिटी के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं गाइस, टेम्परेचर। क्या कहते हैं गाइस, टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द बॉडी। ओके गाइस, चलिए, इट ऑल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट। तो ये जो है हीट के फ्लो का डायरेक्शन का भी बताती है। तो अगर आपसे वैसे आप में है नहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपसे पूछे कि ये स्कॉलर है, टेम्परेचर स्कॉलर है या वेक्टर, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वेक्टर। क्यों वेक्टर है, क्योंकि इसमें का बच्चा क्या आ रहा है, इसमें डायरेक्शन की बात की जा रही है, जिसमें डायरेक्शन की बात की जाए वो क्या बन जाता है गाइस, वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो चलिए, हीट फ्लोस फ्रॉम अ बॉडी एट हाईर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। मतलब कोई भी बॉडी जो हीट, ज्यादा हीट मतलब हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर जिसका, वो बॉडी वहां से फ्लो करेगी एक लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी पे। मतलब हीट एनर्जी जो है वो वार्म बॉडी से कोल्ड बॉडी या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, या हम लोग कहें हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे की तरफ फ्लो करती है। तो चलेगा, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अभी मैंने आपको बताया, अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें यूनिट जो यूनिट होती है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मतलब यूनिट इज सो मच इम्पॉर्टेंट। तो गाइस चलिए, हम लोग यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। तो द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन के, द अदर यूनिट इज डिग्री। मतलब जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है वो होती है केल्विन के, और की जो कुछ अदर, सॉरी गाइस, जो उसकी कुछ अदर यूनिट्स होती हैं वो होती हैं, जो उसकी कुछ मतलब दूसरी यूनिट होती है वो होती हैं, जैसे हो गई सेल्सियस, मतलब सेल्सियस हो गया फारेनहाइट, जैसे जिसका आपने नाम सुना होगा फारेनहाइट, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फारेनहाइट। तो ये एक और होती है जिसका नाम है, तीन होती है केल्विन के से डिनोट किया जाता है डिग्री सेल्सियस से, फारेनहाइट एफ। केवल इसमें ये डिफरेंस है कि सेल्सियस के आगे ऊपर देखिए आप छोटा सा डॉट देख पा रहे होंगे, मैं डिनोट कर दूँ, ये देखिए छोटा सा डॉट आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ऐसा केल्विन और फारेनहाइट में नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो अगर हम लोग यूनिट को रिलेट करके देखें तो जो मतलब कि जो टेम्परेचर क्या है उसमें, अगर हम लोग टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया उसमें हम लोग टी, सॉरी गाइस, अब हम लोग, ये आपको बहुत टिपिकल लग रहा होगा, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अगर आपको केल्विन दिया गया है 500 केल्विन, उसको आपको कहा जाए सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में, तो आप क्या करेंगे, इसी में से 500 में से 273 माइनस कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा, सेल्सियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेल्सियस आ जाएगा। अगर आपको दिया गया है कि सॉरी गाइस, अगर आपको दिया गया केल्विन 500 केल्विन, तो अगर आपको इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने को बोला गया तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें केल्विन में 273 माइनस कर देंगे तो, और जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है 27, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की, किसकी बात करेंगे अब हम लोग, थर्मल एक्सपेंशन की। तो थर्मल एक्सपेंशन की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको अगला वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, वो भी ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। थर्मल एक्सपेंशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।